हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों का मिसिंग नंबर का पार्ट टू है और आज की इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि जरूर से जरूर थोड़ा अपडेटेड वर्जन होगा। चलिए देखते हैं नंबर वन क्वेश्चन को। नंबर वन क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 9922033351 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत ही सिंपल है। 9 + 9 + 2 = 20, ठीक है। और 20 को देखो, यानी कि सेकंड वाला मिल जाता है। तो अगर उसी तरह हम लोग इस केस में करें तो 3 + 3 + 5 = 11, यानी कि 1 दे रखा है तो दूसरा 1, यानी कि द रिक्वायर्ड आंसर इज 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 26 22 18 12 क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है आज, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें भी फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि लास्ट जो नंबर है उसको ढूंढना है। तो बहुत ही सिंपल है, 26 जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जेड का होता है, है ना। 22 जो है वो वी का होता है, 18 जो होता है वो आर का, ठीक है, और 12 जो है वो एल का होता है ना। तो हम लोग को ये वाला जो है फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा रिवर्स में चले तो, यानी कि Z का रिवर्स A होता है, V का रिवर्स E होता है, R का रिवर्स I होता है और L का रिवर्स O होता है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रहा है कि A E I O U, यानी कि ये सब जो रहेगा अल्फाबेटिक लेटर, ये जो है हम लोग का वोवेल्स रहेगा। कैसे समझे, जब हम लोग रिवर्स अल्फाबेट का इस्तेमाल किए तब, ठीक है। तो यहाँ पे U होना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, और U का जो ऑपोजिट लेटर होता है वो F होता है, ठीक है, और F का जो हम लोग का नंबर है, यानी कि अल्फाबेटिक नंबर, ये 6 होता है, है ना। 6 पोजीशन पे F आता है, तो द रिक्वायर्ड आंसर इज 6। ओके, कम टू द नंबर 3। नंबर 3 का क्वेश्चन है 21314 66 क्वेश्चन मार्क। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन मार्क का जो घर है मिसिंग नंबर उसको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 31, फिर इसमें 15 ऐड करते हैं 46, तो उसी तरह अगर हम 10 15 और यहाँ पे क्या 20 ऐड करेंगे, है ना। तो 46 में अगर हम लोग 20 ऐड करते कितना होगा, 66, यानी कि द मिसिंग नंबर इज 6, इट इज द आंसर। नाउ कम टू द नंबर 4। कुछ इस तरह से है क्वेश्चन, 21 3 8 2 2 9 6 3 4 6 14 11 क्वेश्चन है 6। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है और अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करें। तो एक आइडिया आ रहा है कि इस घर के नंबर, मैंने सभी गोलों के नंबर को हम लोग ऐड करते चलते हैं, ना। तो 2 + 1 + 3 = 6, 8 + 2 + 2 = 12 एंड एट द सेम टाइम 9 + 6 + 3 = 18। और अगर नीचे वाला को देखे तो 4 + 6 + 14 = 24। तो उसी तरह अगर हम लोग इसमें देखना चाहे तो कुछ ऐसा होगा, 6 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, 6 1 = 6 6 2 = 12 6 3 = 18 6 4 = 24 6 5 = 30 होना चाहिए, है ना। तो 30 होने के लिए यहाँ पे 11 है प्लस 6 है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जो ये 30 के बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या 11 + 6 17, और 17 में अगर हम लोग 13 को ऐड करते हैं तो यहाँ का जो है 30 पूरा हो जाएगा और 6 का टेबल भी हम लोग का चल जाएगा। 6 1 = 6 6 2 = 12 18 24 30, तो 13 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 156 26 31 45 5 क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग का क्वेश्चन है और इसको जो है सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, एक काम किया जा सकता है कि 26 + 31 + 45 + x = 156, मतलब कुछ आइडिया आया कि मतलब इन सब को
ये जो चारों रो है, चारों रो के नंबर को ऐड करके हम लोग पूरा ओवरऑल 156 लेकर आना है, है ना। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पे कितना आएगा? 31, है ना। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते हैं, कितना आएगा? x इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा? 25 प्लस 45, 71 प्लस 31, और हम लोग का माइनस 156, तो 2102 माइनस में प्लस 156 इक्वल्स टू 54, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट कॉलम में 5 तो दिया हुआ है और 4 मिसिंग है, सो 4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5, 2, 6, 7, 2, 10, 8, 1, 14, यहां से 6, 7, 2, 10, 4 क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको जो है क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम लोग को लेकर आना है इसका वैल्यू, आखिर यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए। तो 5 को माइनस करते हैं 2 से तो आता है 3, और 3 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आ जाता है 6, है ना, जो कि हम लोग का नीचे वाला यानी कि ये वाला वैल्यू है। तो उसी तरह इसके साथ भी करते हैं, 7 को माइनस करते हैं 2 से तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 10, जो कि ये है। सिमिलरली 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 14, फिर 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2। तो उसी तरह हम लोग को इस केस में भी करना होगा, ठीक है। तो करते हैं 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 6 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 होगा, तो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 12। क्वेश्चन नंबर 7, 6, 1, 5, 3, 9, 10, 4, 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरह है ना, कैसे किया जाए इसको। तो सिक्स प्लस 1 माइनस 2, अगर ऐसा करते हैं तो ये जो लास्ट नंबर है ये हम लोग का आ जाता है ना फर्स्ट कॉलम का। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, उसी तरह 3 प्लस 9। तो सेकंड कॉलम में भी वैसे ही करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करने पे फिर माइनस 2 करेंगे तो हम लोग को अब मेरा जो थर्ड एलिमेंट है वो मिल जाएगा यानी कि 10 मिल जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लोग इसमें देखते हैं, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करते हैं फिर माइनस 2 करते हैं तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 8, 2, 3, 9, 9, 7, 1, 4 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हम लोगों का, इसको अब सॉल्व करना है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाले जो 3 डिजिट नंबर है यानी कि 239, इसको अगर हम लोग 97 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को 142 मिल जाता है। 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 4 एंड 1, ओके, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 2, क्योंकि 142 मिल गया तो 14 तो यहीं पे है तो 2 आ गया। तो क्या किया हम लोग, ऊपर वाले नंबर से सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट करने पर हम लोग को तीसरा वाला मिल गया, डन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोग पार्ट 1 देखना चाहते हैं इसका तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया, देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना।